हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि एक बहुत ही बेसिक कॉमन आइटम के बारे में, जो हम सब ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हमेशा यूज़ किया है और सब यूज़ करते भी हैं। एक बेसिक आइटम है हार्ड डिस्क, जो हम सब भी आज के टाइम में अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में डेटा स्टोरेज के लिए सब जगह कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इसको हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क क्यों कहते हैं, क्या इसके अंदर का मैकेनिज्म होता है। तो आज हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क बेसिकली क्यों कहते हैं, इसके इंटरनल मैकेनिज्म कैसा है, ये वर्क कैसे करता है, इसके हेड्स कैसे होते हैं, इसकी डिस्क कैसी होती है जिसकी वजह से इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम आपको ओपनली एक डिस्क के अंदर सब चीज़ दिखाएंगे और होप करते हैं कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क और ये डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क। दोनों के पोर्ट सेम होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दोनों के पोर्ट सेम है। लैपटॉप की हार्ड डिस्क हम डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप की लैपटॉप में नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है। तो अब हम इस हार्ड डिस्क छोटी वाले को देखिए, साइज़ कैसे इतना फ़र्क है इनके अंदर। अब हम इसको खोलेंगे दोस्तों और देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म काम करता है और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो फाइनली अब हमारी हार्ड डिस्क खुल गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसके अंदर इसकी डिस्क होती है जो कि बिल्कुल ग्लास की तरह होती है, चमकती हुई। और बाकी इसकी चीज़ें हम खोलते हैं, देखते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। ये हमने अपना स्क्रू ड्राइवर ले लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसकी डिस्क खोलने की कोशिश करेंगे। ये हम इसको खोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं खुलती है और इसके लिए हमें इसको पहले एक किसी चीज़ से इसको स्टक करना पड़ेगा, तब हम इसको इजीली खोल पाएंगे। तो फाइनली हमारी यहाँ डिस्क खुल गई है। अब इसको खोल रहे हैं, इसको डिस्क को हार्ड डिस्क से अलग करके हम आपको दिखाते हैं। ये एक स्मॉल मिनी डिस्क होती है ऊपर, जो पूरे दोनों डिस्क को होल्ड करके रखती है, जिसके थ्रू ये डिस्क इसमें स्क्रूड रहती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। ये बिल्कुल ग्लास की तरह बिल्कुल ही शाइनी होती है एंड ये टाइटेनियम स्टील टाइप बनी की होती है। ये बिल्कुल हार्ड होती है, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। देखिए बिल्कुल ग्लास की तरह इसके अंदर आप फेस देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। जब उसमें फिंगरप्रिंट, डस्ट या कोई और पार्टिकल लग जाता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाती है। तो उसको हम साइड रख देते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर और क्या है और आपको भी दिखाते हैं। ये एक सेकेंडरी डिस्क और है नीचे, इसको भी हम निकालते हैं, देखेंगे कैसे निकलेगी। तो फ्रंट ये एक हेड का स्टॉपर होता है। पहले हम इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या आगे और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें खोलनी है। ये हेड का स्टॉपर हमने खोल लिया है, अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे ताकि दूसरी डिस्क लगाने की हम कोशिश करते हैं। ये अभी नहीं निकल रही क्योंकि ये नीचे हेड में अंदर अभी भी फंसी हुई है, तो इसके लिए हमें और इसको खोलना पड़ेगा ताकि पूरी डिस्क दूसरी भी बाहर आ जाए। तो अब हम हेड को खोलते हैं। ये इसका हम सर्किट खोलते हैं जो कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पावर देता है कार्ड के थ्रू। इसी के थ्रू इसके मैग्नेट में पावर आती है ताकि हार्ड डिस्क को ये रन कर सके और डेटा रीड करके हमारे को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करके हमें कंप्यूटर पर उसको शो कर सके। तो दोस्तों हम ये हटाते हैं तो देखते हैं। ये एक पावरफुल नियोडाइम मैग्नेट होता है जो कॉइल के थ्रू डेटा रीड एंड राइट में डिस्क की हेल्प करता है। तो ये दोस्तों एक कॉइल होती है, दिखाई मैं आपको और नजर, ये कॉइल होती है जो कि सारा इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड मैग्नेट जनरेट करती है। तो अब हम इसके सर्किट को खोल लेते हैं यहाँ से और ताकि इजीली हेड को रिमूव करके हम दूसरी डिस्क को भी बाहर निकाल सकें। तो इसके कुछ स्क्रूस हैं जिनको हम खोल रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम इसको फर्दर डिस्क को खोलते हैं एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड छोटी छोटी जो इसके अंदर मैकेनिज्म लगे हैं सबको हम अलग करते हैं। इसके सर्किट को भी हम अलग करेंगे जो इसके हेड से जुड़ा हुआ है, जो सारे डेटा को डिजिटली कन्वर्ट करके हमें कंप्यूटर पर दिखाता है। तो कुछ स्क्रूज हैं जो हमने खोले हैं, उनको अलग करेंगे और इसके सर्किट को भी अलग करेंगे जो हेड से सारा डेटा को डिजिटली कन्वर्ट करके हमें कंप्यूटर पर दिखाता है। तो दोस्तों ये अब हम इसका हेड को रिमूव करें। ये इसका स्टॉपर निकल गया है, इसको हम हटा लेते हैं जो हेड को स्टॉप करता है, डैमेज से रोकता है।
और ताकि हम इजीली हेड को रिमूव कर सकें। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे को इसके सर्किट को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हम इसके सर्किट को ओपन करते हैं एंड फिर इसके हेड को हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। और एक बैक साइड से स्क्रू है जिसको खोलकर हम पूरे हेड को इजीली बाहर निकाल पाएंगे। तो पहले हम इसके सर्किट को रिमूव कर लेते हैं ताकि सर्किट और हेड के बीच में जो कनेक्शन है वो डैमेज ना हो और इजीली उसको विदाउट एनी डैमेज हम उसको निकाल सकें। तो यहाँ हम इसके सर्किट को खोल रहे हैं दोस्तों। अब हम इसके सर्किट को अलग करने वाले हैं इससे। ये जो स्क्रूज हमने खोले इनको साइड में रख देते हैं। सर्किट इसका खुल गया है लेकिन वो सर्किट एक केबल के थ्रू, डिजिटल केबल पत्ता जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू कनेक्टेड है हेड से। इसलिए हम इसको भी रिमूव करेंगे ताकि ये डैमेज ना हो और इससे टूटे ना और इसको हम आपको अच्छी तरह इसको दिखा सकें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बैक साइड से भी इसमें एक स्क्रू होता है जो कि हेड को इजीली मूव होने के लिए लगाया जाता है ताकि इसको निकाल कर ही हम इसको बाहर से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, हम इसको भी खोलते हैं और हेड को इजीली रिमूव करने की हम कोशिश करेंगे ताकि बिना किसी डैमेज के हम इजीली हेड को रिमूव कर लें एंड डिस्क को भी उसमें इजीली निकाल सकें। तो इसके ऊपर ये स्टिकर होता है, पहले से हम इजीली स्टिकर को रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे एक स्क्रू है, अब स्क्रू को हम खोलेंगे ताकि इजीली हेड को हम यहाँ से रिमूव कर सकें विदाउट एनी डैमेज। तो ये हमने हेड के स्क्रू को खोल लिया है जिसने हेड को होल्ड किया हुआ है। अब डिस्क को हम सीधा कर लेते हैं ताकि हमारा हेड इजीली रिमूव किया जा सके। लगता है स्क्रू प्रॉपर खोला नहीं है। ये डिस्क हमारी बाहर आ गई है, देखिए दूसरी वाली डिस्क भी विदाउट एनी डैमेज। बट अभी हेड हमारा खोल नहीं पाया क्योंकि स्क्रू अभी तक पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, हमने स्क्रू को अलग कर लिया। अब हम इस हेड को यहाँ से उठाते हैं। मान लीजिए देखिए दोस्तों, ये वो हेड है जो हार्ड डिस्क का डेटा इलेक्ट्रॉनिकली रीड करके हमें कंप्यूटर पर दिखाता है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये हेड होते हैं, दोनों डिस्क इन हेड्स के बीच में चलती है। यही ये हेड पूरे डिस्क पर घूम के डिस्क का डेटा रीड करके उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करके हमें दिखाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये दो डिस्क के लिए बीच बीच में हेड बने हुए हैं और यही रीड करते हैं डिस्क का पूरा डेटा। मैं आपको डिस्क भी लगा के यहाँ दिखाता हूँ कि कैसे डिस्क इन हेड्स के बीच में वर्क करती है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे डिस्क ऊपर से नीचे से दोनों साइड से डेटा को रीड करती है। डिस्क के अंदर दोनों साइड डेटा रिट्रीव होता है। ये इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेड है एंड ये दोस्तों इसकी मोटर है जो कि डिस्क को घुमाती है, जो कि सर्किट से जुड़ी हुई है। इस सर्किट के थ्रू इसको पावर सप्लाई मिलती है और जो डिस्क को मूव कराती है 7200 एंड 5400 आरपीएम पे। तो हम इस कार्ड को भी दोस्तों खोल लेते हैं और देखते हैं इसके कार्ड के बैक साइड में क्या है, कैसे इसका सर्किट है, वो भी आपको सब हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अब हम इसके सारे स्क्रूज को ओपन कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसके कार्ड के अंदर किस तरह का मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये पावर को लेता है और इसकी मोटर तक सप्लाई करता है ताकि इजीली वो डिस्क को घुमा सके और हेड के द्वारा जो डेटा रीड या राइट किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना, रीड एंड राइट करना, वो सब इस हेड कार्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो सारे चीज़ों को हम साइड कर लेते हैं। काफ़ी डेस्क पर काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड आइटम जो हार्ड डिस्क के अंदर से निकले हैं वो इधर उधर हो रहे हैं, तो हम इसको साइड कर लेते हैं। तो अब हम इसके कार्ड को अलग करेंगे और देखते हैं इसका सर्किट। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके कार्ड को अलग कर दिया। इसमें एक ये प्लास्टिक सपोर्ट होता है, ये देखिए प्लास्टिक सपोर्ट है ताकि हार्ड डिस्क से कोई भी सर्किट मेटल से टच होकर डैमेज ना हो। यहाँ पे एक छोटा सा हीट सिंक भी लगा हुआ है चिप के ऊपर ताकि चिप गर्म ना हो। ये इसका दोस्तों पूरा कंप्लीट सर्किट है जो सारे डेटा को डिजिटली रीड करके हमारे सिस्टम में हमें दिखाता है। वो सारा वर्क इसी कार्ड के थ्रू होता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रेम रह गया सिर्फ हमारे पास। ये फ्रेम में यहाँ मोटर है जो डिस्क को घुमाती है और बाकी हमने सारे पार्टिकल्स इसके अलग कर लिए हैं। तो दोस्तों यही हार्ड डिस्क के अंदर सारा सामान होता है और ये दो डिस्क हमने आपको दी। ये इसका फ्रेम हो गया, ये इसका पावर कार्ड हो गया, ये इसके
शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए प्लास्टिक होता है, ये इसके लिए मैग्नेटिक से ये हेड्स होता है, ये दो डिस्क होती हैं दोस्तों हमारे पास, इनके बहुत सारे स्क्रूज होते हैं, ये हेड स्टॉपर। तो दोस्तों एक हार्ड डिस्क में हमारे पास यही सारे आइटम्स होते हैं जिनके थ्रू हार्ड डिस्क रन करती है और हमारा डेटा को कंप्यूटर में हमें शो करती है। थैंक यू।